नमः शिवाय। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष शनिवार नौमी तिथि दोपहर 1:45 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में सुबह 9:15 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, विशेष आकर्षण वाले, बोलने में चतुर, इंद्रियों को वश में रखने वाले और शत्रुओं पर विजय पाने वाले होते हैं। ऐसे जातक सौम्य स्वभाव वाले, धार्मिक भावना वाले, परंपरावादी, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करने वाले, बातचीत करने में निपुण, अच्छे व्यापारिक क्षमता वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बृहस्पति और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा और आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी। साझेदारी में लाभ संभव है। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। पारिवारिक सुख शांति और मां के स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। मानसिक संवेदनशीलता बनी रहेगी और निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। अपने सामान के प्रति सावधान रहें, गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। छोटी यात्राओं का योग बनता है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल होगी, मगर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। गुरु का चंद्रमा के साथ छठ में बैठना और मंगल व केतु की युति का 9वें भाव में होना सावधानी की ओर संकेत देता है। हालांकि नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। हर काम मन मुताबिक पूरा होगा। आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा, मगर पारिवारिक चिंता, अधिकारियों से विरोधाभास और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के व्यावसायिक उत्थान और नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे। अधूरे काम पूरे होंगे। सरकारी कामकाज में सक्रिय भागीदारी बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मगर कुछ कामों में अचानक गलत निर्णय संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और नई जानकारी हासिल करने का जुनून कायम रहेगा, मगर नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। मन थोड़ा अशांत रह सकता है। खाने पीने में सावधानी बरतें और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। उत्साह, कार्य ऊर्जा मन मुताबिक बनी रहेगी और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ आपके सक्रिय भागीदारी के ऊपर निर्भर करेगा। चंद्रमा और बृहस्पति की युति से मानसिक चिंता और मन के नकारात्मक विचारों में सुधार मिलेगा और पारिवारिक प्रेरणा से उत्साह में वृद्धि होगी। हालांकि शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। न्यायालय या संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी और निजी रिश्तों में सकारात्मक सोच बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों का ऊर्जा स्तर और दृढ़ विश्वास बना रहेगा, मगर मन में शंकालु प्रवृत्ति जन्म लेगी और नकारात्मक विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि व्यावसायिक योजनाओं में स्थिरता आएगी और विकास होगा। गुरु की प्रेरणा और मंगल का सहयोग लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, मगर अनावश्यक खर्च, वाद विवाद संबंधित मामले, दोषारोपण और पारिवारिक तनाव की स्थिति संभावित है। हालांकि गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है और अपने स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। गज केसरी योग के दूसरे भाव में बनने से ऊर्जावान महसूस करेंगे और आर्थिक सहयोग बना रहेगा। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास रचनात्मक कार्यों में खर्च होंगे और सफलता मिलेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के कामों में भी लाभ संभव है, मगर संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है, मगर आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी अपेक्षित है। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है। फिटनेस के लिए अपनी दिनचर्या में योगा व व्यायाम को शामिल करें, अच्छा महसूस करेंगे।
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष होगा। गुरु चंद्रमा की युति आपकी राशि पर ही बनी हुई है, जिसका मिला जुला फल प्रयासों को बढ़ाने वाला, मानसिक संतुष्टि और आत्मविश्वास की वृद्धि करने वाला होगा। कार्य योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी और निजी निवेश का योग बना हुआ है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर कार्य योजनाओं में अड़चनें, सरकारी अवरोध और वाद विवाद से बचें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। संतान संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी समारोह में सम्मानित किए जाएंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सोच और कार्यशैली में बार बार परिवर्तन संभावित है, मगर सकारात्मक ऊर्जा और काम करने की क्षमता भी बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और साझेदारी लाभदायक रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। रचनात्मक पहलू सक्रिय रहेगा, मगर धैर्य और संयम रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। कुछ कामों की रुकावट हो सकती है, मगर अधिकतर प्रयास सार्थक होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में सावधानी अपेक्षित है। अनावश्यक विवाद और रुकावटें संभावित हैं, हालांकि आपके मेहनत के अनुरूप योजनाओं का विस्तार हो सकता है। आवश्यक संसाधनों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत का लाभ मिलेगा व शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। अतिरिक्त कार्यभार महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में सावधानी अपेक्षित है। बुध राहु सूर्य का सातवें होना, साझेदारी में सावधानी, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव, कार्यों में रुकावट, पत्नी के स्वास्थ्य में गड़बड़ी और आर्थिक संकट का संकेत देता है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। कुंभ राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र की सक्रियता बनी रहेगी और व्यावसायिक उतार चढ़ाव संभावित है, मगर लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे। आपके बुद्धि कौशल से बिगड़ते हुए काम भी बनते जाएंगे। किसी महिला के सहयोग से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। प्रतियोगी भावना विकसित होगी। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है और विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। मीन राशि के जातकों के सक्रियता और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अपने ही कामों पर संदेह की स्थिति संभावित है। चंद्रमा के बृहस्पति के साथ आठवें घर में होने से कार्य क्षेत्र की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। कोई आरोप लग सकता है और साजिश के शिकार हो सकते हैं। सावधानी बनाए रखें। भावुकता में निर्णय लेना उचित नहीं होगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।